यूपी नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के साथ ही अब शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज हम आपको दो जगहों का हाल बताने जा रहे हैं। हमीरपुर और इटावा का हाल बताएंगे कि वहां की जनता क्या सोचती है और उनके मुद्दे क्या है। अगर बात करें इटावा की तो इस बार इटावा में सपा का समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है। सपा के गढ़ में बीजेपी सेंध लगाने को बेताब है। वहीं अगर हमीरपुर की बात करें तो इस बार जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं इटावा और दिखाते हैं वहां से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट और जानते हैं वहां की जनता का क्या है चुनावी मूड। देखिए नगर निकाय चुनाव होते हैं पूरी तरीके से पार्टियां अपनी बिगुल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां देखा जाए यही इटावा क्षेत्र का जो है एक दिल नगर पंचायत मानी जाती है। यहाँ जनता मेरे मौजूद है, इनसे बात करना चाहेंगे अगर किस तरीके की यहाँ प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ के लोगों का कहना है कि जो नगर पंचायत में पहले जो चेयरमैन थे कहीं कोई भी कार्य नहीं कराया गया, जिससे पूरी तरीके से नलियाँ और जो गलियाँ थी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भिजवाती हुई नजर आ रही हैं। आज यहाँ देखिए छोटा चुनाव बड़ा दांव कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ किस तरीके के लोग जनता जो है किस तरीके के प्रत्याशी को चुनना चाहती हैं, यहाँ मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहेंगे कि देखा जा रहा है लगातार नगर निकाय चुनाव होते पूरी तरीके से पार्टियाँ अपने दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरी हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके की यहाँ जो लोग हैं क्या चाहते हैं, क्या इनका मत है, किस तरीके के वोटर चुनना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश। अच्छा जी बताइए, जो नगर निकाय जो चुनाव की पूरी तरीके तैयारियां हो चुकी हैं, किस तरीके के प्रत्याशी चाहिए, क्या पिछले जो वर्तमान चेयरमैन थे क्या विकास कार्य कराए उन्होंने? उन्होंने विकास कराया लेकिन कमर्शियल कराया, यानी जनता के लिए नहीं कराया। अब जनता के लिए होना चाहिए, ऐसा कोई चेयरमैन आए जैसे कॉलोनियाँ बटी तो दो मंजिल पर पट गई, जबकि नीचे मंजिल वाले मड़ैया में वो देखना चाहिए, ऐसा कोई चेयरमैन आए। अच्छा अच्छा हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार यहाँ की जो जनता है उनका कहना है कि अब जो प्रत्याशी मैदान में हैं उतरे हुए हैं, तो ऐसा कैसा प्रत्याशी आप लोगों को चाहिए जो विकास कार्य कर सके? विकास कार्य क्या, गरीबों को देख के देना चाहिए कोई चीज़ है। अब नालियाँ अब की बार साफ ही नहीं हुई, बरसात आने को है, नालियाँ 5 साल से साफ नहीं हुई ढंग से, नालियाँ साफ होना चाहिए ढंग से, क्योंकि जल भराव की समस्या इस साइड में बहुत है, सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ दुकानों में पानी भर गया था मिसाल, जो नुकसान लाखों का हुआ लोगों का, पहले कभी पानी नहीं भरा जी। हाँ ये देखना है। अच्छा, इस तरीके की प्रत्याशी आपको चाहिए? हाँ, जो यानी निकास तो होना चाहिए पानी का, कम से कम यहीं भर जाता है पानी, ये सिस्टम होना चाहिए। देखिए और भी लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसे जो दादा है इनसे पूछेंगे आखिर किस तरीके के प्रत्याशी आप चुनना चाहते हैं? इंदौर रोड पर झाड़ू नहीं लगाते हैं और 5 साल में एक दफा नाली साफ नहीं भाई। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे जगह जो इटावा का एक जो दूसरा अड्डा माना जाता है, नई कॉलोनी बस्ती मानी जाती है, यहाँ पे जितेंद्र कुमार जी जो है जन अधिकार पार्टी से जो उनको जो है टिकट दिया गया, तो उनसे देखिए बात करना चाहेंगे आखिर किस तरीके की यहाँ जनता की मांग है और किस तरीके से विकास करेंगे। मेरा नाम जितेंद्र सिंह कुशवाहा है, नई कॉलोनी वार्ड नंबर 23 अड्डा उजरा से मैं प्रत्याशी हूँ। मेरी जनता हम पे आस करे हुए है कि आप चुनाव लड़ो, और उनकी काफ़ी समस्याएं हैं जैसे यानी कि गलियां हैं, लाइट हैं और का नाम ये आवास हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरे इस कॉलोनी वार्ड में ऐसे मान लो काफ़ी गरीब लोग हैं, उनकी आवास की बहुत ज़रूरत है। कुछ छत कुछ मकान ऐसे हैं कि उन पे अगर पानी बरसने लगे तो उन्हें खाना बनाने के लिए जगह नहीं है। तो ये पुराने जो सभासद थे पहले रह चुके, उन्हें देना चाहिए था, अब इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं अपनी तन मन धन से मैं चाहता हूँ ये लोग मुझे जिताएंगे, मैं तन मन धन से इनके लिए आवास हैं, लाइटें हैं, गलियां हैं, जो भी समस्या पड़ेंगी नगर पालिका में, जो भी समस्या आएंगी उन समस्या को सॉल्व करने के लिए हम तैयार खड़े हैं। आधी रात के जब ये जनता बुलाएगी हमें तब हम तैयार खड़े होंगे। क्या समस्या है अभी तक जो सभासद रहे हैं? हमारे यहाँ जो सभासद हुए आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया है, न खरंजा है न कछु है। अबे जी नया खरंजा एक बनाए और तो गलियों में पानी भरा हुआ है, आप खुद देख रहे सब लोग। और जो अभी हाल में जो चल रहे सभासद उनने तो कछु ही नहीं करा, ये कहा लाइट लगा दी बस और कछु नहीं कराओ। यहाँ
अच्छा जी बताइए, इससे पहले जो अभी वर्तमान में जो चेयरमैन थे कौन से पार्टी के थे और किस तरीके के यहाँ क्या? चेयरमैन तो यहाँ सपा का था। तो अब आगे वाले जो चुनाव किस तरीके के, मतलब जो चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है, आप किसको जिताना चाहते हैं? हम तो अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, जो हमारा काम वहाँ जाके कह सके और कर सके उसे बनाएंगे। अच्छा, तो क्या कारण रहा है जो आपके यहाँ जो क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराया गया? कारण तो यही है, अपने वहाँ से मिला अपने खा गए, यहाँ कोई कार्य नहीं किया, देखने तक नहीं आए। अच्छा देखिए, और भी लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे भी जानकारी लेना चाहता हूँ कि नगर निकाय चुनाव को जो पूरी तरीके से तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, और भी मेरे साथ मौजूद हैं कि किस तरीके के यहाँ आप प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, किसको वोट देना ज्यादा चाहते हैं जो विकास कार्य कराए? सर वोट तो उसको देना चाहते हैं जो यहाँ कार्य करे या गली या कोई काम है, यहाँ कोई करवाता तो है नहीं, जो आएगा अपना काम कर लेगा और यहाँ समस्या देखने तक के लिए नहीं आते यहाँ। अगर उनसे कहो कि साहब ये काम करवा दो या किसी को कोई दिक्कत है तो आने को भी राजी नहीं है यहाँ कि समस्या सुन लें। अब ये गली है, गली के लिए सबके लिए बोलते हैं, सब सभासद हो या चेयरमैन हो, किसी कोई सुनता ही नहीं है, सुनने के लिए कोई राजी नहीं है यहाँ किसी की भी बात। अच्छा, कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में जो प्रत्याशी को बदलाव लाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, और भी अम्मा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके के प्रत्याशी को आप वोट दें, किस प्रत्याशी को चुनेंगे? जितेंद्र को। अच्छा, क्या कारण है? जो कारण जो है, मेरे घर देख ले, जो करिया से पानी भर जात, कॉलोनी नहीं है, सभासद इतने हो गए, 50 साल पुरानी कॉलोनी बस गई और कोई कॉलोनी नहीं, कोई जगह नहीं, कोई समस्या ही नहीं, सब परेशानी परेशानी है। हाँ, देखन तक नहीं आत, जन कितने तो फार्म भरवाए दे, न कॉलोनी न फालोनी कछुनी चुतिया बनाए दे तो बस पैसा खाई जात। हाँ, तो अम्मा अब ये बताइए कि जिस तरीके से देखा जाए कि ये सपा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि सपा ने लगातार यहाँ पे प्रत्याशी चुने हैं, उनको जीत भी की है, लेकिन आप लोगों के यहाँ विकास कार्य नहीं कराए, क्या कारण रहा है? अब उनकी चलती है तासो, मतलब सपा वाले की चलती है ताकि हमारे कोई सुनाई दुनाई नहीं हो हम लोगों की। अच्छा, तो अम्मा ये चीज बताइए, जैसे सपा की पार्टी है, एक और दमदार पार्टी है जो आपके यहाँ भाजपा की जो पार्टी भी देखी जा रही है, तो उस पर क्या भरोसा करना चाहती हैं आप? उस पर भरोसा करना चाहते हो, पहली पहल आ रहे नौ है, तासो भरोसा कर रहे कि अगर काम हो जाए तो हो ही जाए, और जैसे पुराने चार 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 छह बदल गए, 50 साल तक तो सब सब सवा सात हो जा रहे कोई काम ही नहीं, अब वो नौ है बहू को तो देख लें। अच्छा, कहीं ना कहीं आप मतलब एक नए प्रत्याशी पे आप मतलब जो है नए पे भरोसा कर रहे हैं? अच्छा, नए पे भरोसा कर रही है, कहीं ना कहीं विकास कार्य की उम्मीद है आप लोग? उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि हाँ जो मेरे काम करिए। जो कहीं ना कहीं अगर देखा जो आपके यहाँ जो रास्ता है खराब पड़ी है, लगभग कितने वर्ष हो गए यहाँ आपको? कम से कम इस गांव को 50 साल हो गई पुरानी, एक नई कॉलोनी तो 50 साल पुरानी है कॉलोनी। हाँ, और हम बराबर देखत आए रहे, हम कह की भैया बहने हमारे जमे जन्म भाई और सब बुढ़े हो गए। देखिए, जो लगातार जो प्रत्याशी हैं अपनी, जो एक बार फिर मैदान में निकाय चुनाव को तैयारी हो चुकी है और पूरी तरीके दमखम के साथ प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, अब किस तरीके के प्रत्याशी आप मतलब चुनेंगे, क्या राय है आप लोगों की? अच्छे लोग आए और कहा यही सोचा, सब लोग सबका भला करें जनता का, और कहा बीच में जाए जनता के भी लोग पहले मिले तब उन्हें वोट दे जाए। अब वोट तो दे देता आदमी जानते नहीं, जनता के बीच में आते नहीं है लोग, तो वे कैसे देख सकता, वे कुछ नहीं देख समझ नहीं पाता आदमी को, कौन गरीब है कौन अमीर है, अमीरों का काम होता गरीबों का काम होता नहीं, ऑफिस बैठे बैठे करते रहे। अच्छा ये बताइए, आप अगर देखा जाए तो आप किस तरीके का मतलब जो है जो निकाय चुनाव है, किस तरीके का आप प्रत्याशी चाहते हैं कि जो हमारा विकास कार्य कर सके? अरे विकास तो वो ही करेगा जो आदमी समझदार होगा, बाहर मार्केट में आप चुनेगा आदमी तभी तो पता लगेगा, आदमी चुन देते पता ही नहीं रहता किसी गरीब आदमी है कि अमीर आदमी है, अमीर आदमी को चाहेगा जी गरीब को चाहेगा, वो बीच में आता नहीं है, मिलने आता नहीं, वो जीत जाते मार्केट में वहीं बैठ जाते, अपने वहीं बैठे बैठे अपनी कलम चलाते रहते, वो देखते ही नहीं कभी को। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये नगर पंचायत एक दिल की जो मानी जाती है, यहाँ चेयरमैन जो वर्तमान में रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो गरीबों के तरफ लोगों का कहना है यहाँ बिल्कुल ही नहीं देखा, क्योंकि अपनी मनमर्जी से काम किया है? गरीबों की तरफ कोई नहीं देखता यहाँ पर, जो भी चेयरमैन बन जाता, हम 50 साल से यहाँ पे हैं, हम किसी को नहीं देखा जो गरीबों की सेवा करी हो, सब अमीरों की सेवा करते जहाँ तक, क्योंकि लेना देना बना रहता ना हमें, इसलिए गरीबों की सेवा नहीं करते अमीरों को करते।